इस एक्सरे फ्लिकर इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पे मैं अपने फुटेज को इस तरह से इंपोर्ट कर लूँगा। ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे म्यूजिक को ऐड कर लूँगा। मैंने कुछ म्यूजिक ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ था। तो मैं ये वाला म्यूजिक सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैं म्यूजिक को अच्छी तरह से सुन के उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लूंगा जहां पे मुझे ये इफेक्ट ऐड करना है। अभी मैं इस वीडियो का और एक लेयर यहां पे ऐड करूंगा और इसको मैं फुल स्क्रीन कर लूंगा। कलर फिल्टर में जाके ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं कुछ एक्सरे जैसा इफेक्ट आपको दिखाई देगा। प्ले हेड को उन पॉइंट्स में लेके जाऊंगा जहां पे मुझे ये इफेक्ट ऐड करना है और उसके बाद मैं एक इमेज लेके इसको ऐड एज ए लेयर कर लूंगा और इस लेयर का साइज मैं छोटा कर लूंगा जितना पॉसिबल हो सके ताकि ये फ्लिकर जैसा दिखाई दे। अभी इसी प्रोसेस को मैं बाकी पॉइंट्स में भी रिपीट कर लूंगा और ये देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट बन चुका है। इस इफेक्ट को अगर आप अपने म्यूजिक के साथ इफेक्टिवली यूज करेंगे तो अपने वीलॉग्स वगैरह में डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हैं। इस ओवरले इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप म्यूजिक बीट्स को सही तरह से सुन लें एंड उसके बाद प्ले हेड्स को म्यूजिक बीट्स के साथ एडजस्ट कर लें और यहाँ पे अपने दूसरे फुटेज को इस तरह से इम्पोर्ट कर लें और उसको आप फुल स्क्रीन कर लें। अभी आप उस वीडियो को जहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हो उस पॉइंट में अपने प्ले हेड को लेके जाके इस तरह से कट कर लें। अभी सिंपली आप वीडियो का सामने वाला पोर्शन सिलेक्ट करें एंड ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके अलग अलग ब्लेंडिंग ऑप्शंस को ट्राई करें और जो आपको सुटेबल लगे वो आप यूज करें। मैं इस वीडियो में सॉफ्ट लाइट यूज कर रहा हूँ। ये दूसरा इफेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट बन चुका है। ग्लिची इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए आप म्यूजिक बीट्स को आइडेंटिफाई कर ले और प्ले हेड को वहां पे लेके जाके इस तरह से स्नैप एंड ऐड एज ए लेयर कर ले और उसको आप इस तरह से साइज को एडजस्ट कर ले। यहाँ पे आप फुल स्क्रीन का यूज मत करें नहीं तो आप उसका पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएंगे और करने के बाद इसके पोजीशन को आप इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ चेंज कर लें और उसी तरह से आप दूसरा जो स्नैप होगा उसको भी ऐड करके उसके पोजीशन को थोड़ा ऊपर की तरफ इस तरह से कर लें। मैं इस प्रोसेस को रिपीट कर लूंगा और इस तरह से मैं सारे जो स्नैप्स हैं उसको ऐड कर लूंगा म्यूजिक बीट्स के साथ और उसके बाद कुछ इस तरह का इफेक्ट क्रिएट होता है। इस स्टोर इफेक्ट या ट्रांजिशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं म्यूजिक बीट को आइडेंटिफाई कर लूंगा और यहां पे मैं अपने फुटेज को इस तरह से इंपोर्ट कर लूंगा। अभी मैं प्ले हेड को थोड़ा सा आगे लेके जाके यहाँ पे इस तरह से ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड ऐड कर लूंगा, उसको फुल स्क्रीन कर लूंगा और इसका ड्यूरेशन मैं इस तरह से रिड्यूस कर दूंगा और इसी प्रोसेस को मैं हर एक सेकंड के बाद रिपीट करूंगा। ये देखिए इस तरह से ब्लैक बैकग्राउंड में ऐड कर लूंगा ताकि ये जो ब्लैक बैकग्राउंड है ये दोनों क्लिप को कवर करे। और अभी मैं जब इस वीडियो को प्ले करूंगा तो देखिए कुछ इस तरह का स्टोर इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह का स्टोर इफेक्ट आप दो क्लिप्स के बीच में ट्रांजिशन के रूप में या फिर अपने म्यूजिक बीट्स को एम्फेसाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चारों इफेक्ट आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।